बेटमा में देश और प्रदेश का पहला ऐसा एक मामला देखने को मिला है जहां पर दो परंपरा विचारधारा के प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर आक्षेप और आरोप न लगाकर इस कोरोना के संकट के समय एक हो गए हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जिसका असर अब ग्रामीण क्षेत्र और निचले स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को नगर के अम्बेडकर चौराहे पर निःशुल्क दवाई वितरण का कार्यक्रम विधायक विशाल पटेल की ओर से किया जा रहा था, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता भी पहुंचे और दवाई लेने के लिए लोगों से आग्रह करने लगे। विधायक विशाल पटेल द्वारा प्रारंभिक लक्षण वाले मरीजों के लिए भारत सरकार एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित दवाइयों का वितरण निःशुल्क हो रहा है। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि और पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि लोकेंद्र सिंह चौहान ने चर्चा में बताया कि बेटमा को बहुत ही जल्द एक ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्लांट बेटमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलने वाला है, जिसकी घोषणा विशाल पटेल कर चुके हैं। वहीं भाजपा नेता व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राम निवास दाऊ ने भी बेटमा से कोरोना भगाने के लिए मिलजुल कर काम करने की बात कही। इस अवसर पर कांग्रेस व भाजपा के कई कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। माननीय विधायक जी विशाल जी पटेल द्वारा आज पूरे तहसील में तो ज़्यादातर हर क्षेत्र में निःशुल्क दवाई वितरण चल ही रहा है। बेटमा में भी काफ़ी दिनों से चल रहा है और कई लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं और महंगी दवाइयाँ हैं अब तो पैरासीटामॉल और विटामिन वाली हार्ट इन्फेक्शन वाली और सब निःशुल्क दवाइयाँ वितरण चल रही है। और विधायक जी ने अभी अभी एक बहुत अच्छी घोषणा की है कि बेटमा के हॉस्पिटल में 10 बेड की गैस की पाइपलाइन डली हुई है यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो ऑक्सीजन प्लांट बहुत जल्दी यहाँ पे शीघ्र निःशुल्क ऑक्सीजन सबको दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट बेटमा हॉस्पिटल में डलने वाला है, ऑटोमेटिक प्लांट रहेगा। और विधायक जी वैसे भी लगातार लगे हुए हैं तहसील में, डेली कहीं ना कहीं कोरोना की जंग लड़ते हुए सब चीज़ में मदद कर रहे हैं। कोई को हॉस्पिटल बेड नहीं है, कोई को ऑक्सीजन नहीं है, कोई को दवाइयाँ हैं, सब निःशुल्क वितरण करवा रहे हैं विधायक जी हमारे। और अभी बहुत अच्छी पहल हुई है कि कोरोना से लड़ने के लिए दोनों विधायक विशाल जी पटेल साहब मनोज पटेल साहब दोनों हर गांव में जहां ज़्यादा संक्रमित है वहां जा जाकर दौरा करके जो भी समस्या आ रही है उसको तत्काल उसका निराकरण कर रहे हैं। जी बताएं। देवालपुर तहसील में कोरोना को हराने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों एक मंच पर आ चुकी है। उधर जो है विशाल जी पटेल और मनोज जी पटेल साथ घूम रहे हैं बेटमा में। हम सभी भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ साथ मिल करके ये दवाई गोली का वितरण कर रहे हैं और अच्छी दवाई गोली कोरोना वालों के लिए मुफ्त में यहाँ दी जा रही है और विधायक की ओर से विधायक जी की ओर से ये दी जा रही है और हम सब मिल करके कोरोना को हराएंगे। कोरोना अब बेटमा में ज़्यादा फैलने नहीं पाएगा। मानवता के लिए हम सभी एक हो चुके हैं और एक होकर के माननीय विधायक विशाल जी पटेल, माननीय मनोज जी पटेल और सभी राजनीतिक दल एक होकर के इस कोरोना को हराने के लिए देवालपुर तहसील के नागरिकों की जान बचा रहे हैं और उनके कदम कदम पे काम आ रहे हैं। ये काफ़ी महंगा किट है, ये 500-700 रुपये का आता है और काफ़ी स्टैंडर्ड गोलियाँ हैं इसमें। ये जिसको मिलेगा वाकई में उसका जो है बीमारी समाप्त हो जाएगी। हम आम लोगों से निवेदन करते हैं कि जरा सी भी सर्दी खांसी जुकाम होने पर वे तत्काल यहाँ पर संपर्क करें, आए और मुफ्त में दवाई गोली ले जाएं। अब दरबार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।